नमस्कार। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा ये संबंध और भी मजबूत हो और भी प्रगाढ़ हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की बड़ी बड़ी खबरों पर एक नज़र। प्रियंका के दांव में फंसे योगी ने कांग्रेसियों पर ठोंके धड़ाधड़ मुकदमे। पुलिस ने वकील को पीटा, कहा दाढ़ी से लगा आप मुसलमान हैं। एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट, पैकेज से नहीं सुधरेगी अर्थव्यवस्था। विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाली 16 अरब डॉलर की पूंजी। तूफान अम्पन से तबाही, लाखों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया। मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अब इन बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आप जानते ही हैं कि प्रियंका गांधी की पेशकश के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। योगी सरकार परेशान है, फंसी हुई महसूस कर रही है और इसलिए इस तरह की हरकतें, कार्रवाई कर रही है जिनसे ऐसा लगता है कि अब वो प्रतिशोध पर उतर आई है। पहले खबर लेते हैं। योगी सरकार की पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। बुधवार को नोएडा में 20 से ज़्यादा कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने मजदूरों के लिए बसें इकट्ठा करते हुए लॉकडाउन को तोड़ा है। इससे पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ मंगलवार शाम को लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चलाए जाने का मुद्दा उत्तर प्रदेश में अब बेहद गर्मा गया है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और योगी आदित्यनाथ सरकार आमने सामने हैं। वहीं अब इस मामले पर राजस्थान सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के कुछ अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज थाने में दर्ज कराई गई है। इसके अलावा आज प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, कृपया इसमें राजनीति न ढूंढी जाए। बसों की सूची में बाइक और टेम्पो के नंबर होने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर ऐसे कुछ नंबर हैं तो भी हम नए नंबर देने को तैयार हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप परमिशन दीजिए, अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो आप बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिए। तो मित्रों, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खिसियाई हुई है और खिसियाहट में वो खंभा नोच रही है। उसी ने सबसे पहले प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, उनसे बसों की सूची मांगी थी और जब बसों की सूची दी गई तो वो अब उसमें टालमटोल कर रही है, बहानेबाजी कर रही है, तरह तरह की उसमें मीन मेक निकाल कर किसी भी तरह से इन बसों को चलने से रोकना चाहती है। तो अव्वल तो योगी साहब को पहले ही देख लेना चाहिए थी कि अगर उनको प्रस्ताव उनके माकूल नहीं है तो रिजेक्ट कर देते विनम्रता के साथ और अपनी बसें लगवा देते। लेकिन वो एक के बाद एक ऐसी चीज़ करते गए जिससे और फंसते गए और एक्सपोज होते गए। अब जिस तरह से उन्होंने कांग्रेसियों के की गिरफ्तारी शुरू की है, कांग्रेसियों के खिलाफ FIR दर्ज करनी शुरू की है और वो बसें अभी तक कतार में खड़ी हुई हैं, 800-900 हज़ार बसें जो मजदूरों को ले जा सकती थीं उनको रोक के रखा गया है। 4 दिन हो गए हैं, योगी सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। ये योगी सरकार राजनीतिक रूप से किसी तरह से कांग्रेस को थोड़ा भी लाभ ना मिल जाए इससे परेशान है। वो चाहती तो इसको वो अपने लाभ में भी तब्दील कर सकती थी अगर वो इसका इस्तेमाल कर लेती बड़े दिल के साथ कि हम सब के सहयोग से अपने मजदूरों की मदद करना चाहते हैं तो शायद उनको वाहवाही भी मिलती। लेकिन शायद ये सत्ता का अहंकार है, शायद ये निरंकुश व्यवहार का तकाजा है कि वो इस तरह से नहीं सोच पाए और अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं। अभी भी वो टकराव के रास्ते पर हैं, सीधे सीधे कांग्रेसियों प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस समय जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। कोरोना के संकट में जिस जिस से भी जो जो भी सहयोग मिल सकता है ये
उसको स्वीकार करने का समय है, उसको ठुकराने का या उसको लेकर राजनीति करने का समय नहीं है। अच्छी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी है, वो बराबर यही कह रही हैं कि हमको परमिशन दीजिए, जो जो डिमांड उस तरफ से योगी सरकार की, चाहे वो जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, उनको पूरा कर रही हैं और निवेदन किए जा रहे हैं। वो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहती, वो क्रेडिट देने को भी तैयार हैं, लेकिन बसें चलें। लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी सरकार इतनी उदार मना है, क्या उसका दिल इतना बड़ा है कि वो अपने मजदूरों की मदद करने के लिए थोड़ी सा राजनीतिक तालमेल, सहयोग की जगह या गुंजाइश बना सकें। अभी तक उन्होंने ये शो नहीं किया है, ना ही उनकी पार्टी ने दिखाया है, न राज्य स्तर की इकाई कुछ बोल रही है, न राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ बोल रहा है, और ये टकराव चल रहा है। दुनिया भर के मजदूर देख रहे हैं, देश भर के मजदूर देख रहे हैं कि योगी सरकार किस तरह की चालबाजियां कर रही हैं। बहुत ही दुखद है, बहुत ही क्षोभजनक है, और आदित्यनाथ योगी सरकार को इससे बचना चाहिए। ये कोई बहुत अच्छी छवि उनकी या उनके सरकार की नहीं बना रही है। अगली खबर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर आपसे निवेदन कर दूं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक कीजिएगा। ये हमारे आपके संबंध को और मजबूत बनाने के लिए, उसको प्रगाढ़ बनाने के लिए एक एक्सरसाइज है जो हम चाहते हैं कि आप करें, उम्मीद है करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक वकील ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसको पुलिस ने मुस्लिम समझकर पीटा। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है। द वायर के अनुसार वहां के एक वकील दीपक बुंदेले का आरोप है कि वो 23 मार्च को जब हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनको पकड़कर जमकर पीटा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहा तो एक पुलिसकर्मी ने तमाचा मार दिया और कुछ भी सुनने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि जब मैंने संवैधानिक दायरे में पुलिस कार्रवाई का सामना करने की बात कही तो पुलिस वाले आग बबूला हो गए और मुझे व संविधान को गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। जब मैंने बताया कि मैं एक वकील हूं और ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तब जाकर वे रुके, जिसके बाद वकील ने पुलिस पर केस कर दिया। इस दौरान पुलिस बार बार केस वापस लेने का दबाव बना रही है। इस दौरान दीपक ने पुलिस से बातचीत का एक ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पुलिस वाले उनके घर आकर केस लेने की अपील कर रहे हैं, केस वापस लेने की अपील कर रहे हैं, और उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मियों की गलती से उन पर हमला हो गया, जिन्होंने उनकी दाढ़ी की वजह से उन्हें मुसलमान समझ लिया। वे सभी लोग शर्मिंदा हैं कि उन्होंने आपकी पहचान जाने बिना अपने एक हिंदू भाई के साथ ऐसा कुछ किया। हम आपके खिलाफ़ कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं। जब भी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो पुलिस हमेशा हिंदुओं का समर्थन करती है और मुसलमानों को भी ये पता है, लेकिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो अज्ञानता के कारण हुआ, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो आप देखिए कि इस पूरे एक ऑडियो में, इस पूरी एक घटना में जो दीपक के साथ हुई, ये हमारे पुलिस का पूरा चरित्र उजागर होता है। हमारी पुलिस को किस तरह से कम्युनलाइज कर दिया गया है, हमारी पुलिस किस तरह से सांप्रदायिक रंग में रंग गई है, उसकी वैचारिक सोच, मानसिक सोच पुलिस वालों की, पुलिस व्यवस्था की सांप्रदायिक हो गई है, और वो केवल एक दाढ़ी के आधार पर किसी को मुसलमान मानकर पीट सकती है, और इसके बाद जब फंस जाती है तो सफाई में वो ये भी कहने से नहीं हिचकती है कि हमने आपको मुसलमान समझ लिया था इसलिए पीट दिया, अगर पता होता हिंदू हैं तो नहीं पीटते। तो ये पूरा एक चरित्र हमारे पूरी पुलिस व्यवस्था का बन गया है, और ये कोई एक घटना नहीं है, ये हम बार बार ये देख रहे हैं। तमाम हर दंगों में पुलिस की भूमिका एक संदेह के घेरे में रही है। पुलिस हमेशा बहुसंख्यक लोगों के साथ खड़ी रही है, हिंदुओं के साथ खड़ी रही है। आप गुजरात दंगों को देख लीजिए, उस दंगे के पूरे रिकॉर्ड कहते हैं। मुंबई दंगों को देख लीजिए, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद जो दंगे हुए, तमाम दंगों की अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें पुलिस की भूमिका आपको इसी तरह की मिलेगी। और ये जहाँ पर ख़ासतौर से अब बीजेपी शासन में है, वहाँ पुलिस ख़ासतौर पर इसी तरह से व्यवहार कर रही है, क्योंकि जब ऊपर से ही राजनीतिक नेतृत्व ही इस तरह के सोच वाला हो तो वो पुलिस को और भी उससे बल मिलता है। अगर वहाँ कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती तो ये पुलिस इस तरह से न हिम्मत करती व्यवहार करने की, और ना ही इस तरह की कोई
कैफियत देती, इस तरह का कोई कारण बताती कार्रवाई करने का, तो ये पूरे समूचा एक पूरा मामला है जिससे आप पुलिस के चरित्र को समझ सकते हैं, सत्ता के चरित्र को समझ सकते हैं। जहां मध्य प्रदेश की ये घटना है उसकी सत्ता का चरित्र किस तरह से है, वो किस तरह से पुलिस को इस तरफ ढकेल रही है जहां पर अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर पे मुसलमानों पर आक्रमण करने की उसको खुली छूट दे दी गई है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विशेष आर्थिक पैकेज पर गंभीर सवाल उठाए हैं और संकेत दिए हैं कि इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में कोई मदद नहीं मिलने जा रही। हालांकि क्रिसिल ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर कदम सही दिशा में उठाए गए, लेकिन इस पैकेज से मांग और खपत नहीं बढ़ेगी जो कि पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी होती है। इस पैकेज में आपूर्ति पर ही ध्यान दिया गया है। बता दें कि कोई भी अर्थव्यवस्था आगे तभी बढ़ती है जब उसकी खपत बढ़ती है, यानी डिमांड बढ़ती है, और क्योंकि खपत बढ़ने से ही मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। लेकिन क्रिसिल के अनुसार इस पैकेज से खपत या मांग बढ़ने की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है। क्रिसिल ने इस पर भी चिंता जताई है कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों पर पैकेज में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। क्रिसिल ने यह भी कहा है कि बाहर से देखने में ये जितना बड़ा पैकेज लगता है उतना है नहीं, उतना प्रभावशाली है नहीं। इसकी वजह यह है कि इसकी ज़्यादातर घोषणाएं गारंटी के रूप में ही हैं। तो ये अब तो पूरा जो पैकेज अनाउंस किया था प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का कह के, उसका जो 5 दिनों में धारावाहिक रूप से वित्त मंत्री ने विवरण दिया, उसके बाद अब कोई शक शुबहा नहीं रह गया है कि ये पैकेज दरअसल 20 लाख करोड़ का तो है ही नहीं। जो कहा गया था कि हमारी जीडीपी का 10% है, बाद में पता चला कि मुश्किल से 1% होगा, यानी 1 लाख करोड़ के आसपास ही ये मामला, 1-2 लाख करोड़ के आसपास है। बाकी सारे लोन हैं, लिक्विडिटी है जो कि लोगों के पास नहीं जाना है। ये केवल अर्थव्यवस्था को उस सूरत में सुधार सकती है जहाँ पर डिमांड हो। यहाँ सप्लाई साइड पर काम किया गया है, डिमांड पर काम नहीं किया गया है। लोगों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा गया है, लोगों तक पैसा कैसे पहुँचे इसका ध्यान नहीं दिया, तो इन सब पर चर्चा होती रही है। और अब जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि आपका जो पैकेज है वो किसी काम का नहीं है, इससे कुछ भला नहीं होने जा रहा है, ना अर्थव्यवस्था का ना हिंदुस्तानियों का जो इस कोरोना संकट की वजह से बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं, जिनके रोज़गार जा रहे हैं, धंधे जा रहे हैं, जिनके सामने जीने का संकट खड़ा हो गया है। तो अब इस संकेत के बाद सरकार को सद्बुद्धि आती है कि नहीं ये देखना है। जब इतनी एजेंसियां कह रही हैं और हर तरफ से यही बात उठ रही है, तो सरकार अपने पैकेज को पुनर्विचार करेगी क्या? क्या एक वो नया पैकेज लाने की का योजना बनाएगी जिसमें ख़ास तौर से सप्लाई साइड पर ध्यान दिया जाए, ख़ास तौर पर ये ध्यान दिया जाए कि लोगों के हाथ में पहुँचे, निम्न वर्ग के हाथ में, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के हाथों में कुछ पैसा पहुँचे ताकि वो कंज्यूम करना शुरू करें और उससे खपत बढ़े और फिर मांग बढ़े और फिर इस तरह से एक जो चक्र है अर्थव्यवस्था का वो चले। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये सरकार को सद्बुद्धि आती है और इस तरह से वो कदम उठाती है, या फिर अपने अड़ियल रुख में, अपने निरंकुश सोच के साथ वो डटी रहती है। अगली खबर का रुख करते हैं। बढ़ते कोरोना संकट, उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन और उस वजह से तबाह होती अर्थव्यवस्था के बीच विदेशी निवेशकों ने भारत से 16 अरब डॉलर की पूंजी निकाल ली है। अमेरिका के स्वतंत्र कांग्रेसनल रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी निवेशकों ने कोरोना संकट की वजह से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से 26 अरब डॉलर की पूंजी निकाल ली है। इसमें से भारत से सबसे ज़्यादा 16 अरब डॉलर की पूंजी निकाली गई है। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में कुछ सकारात्मक बातें भी कही गई हैं। कहा गया है कि साल 2020 में एशिया के सिर्फ 3 देश, चीन, भारत और इंडोनेशिया ही बहुत ही थोड़ा आर्थिक विकास दर्ज कर सकते हैं, बाकी की हालत और भी बुरी होगी। तो
भारत सरकार का ये दावा था, भारत सरकार ये कह रही थी कि वो जो उपाय कर रही है, आर्थिक सुधार कर रही है, उससे बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी आएगी, चीन से जो लोग जो निवेशक हैं वो वहाँ से निकलकर भारत आएंगे, तो ये जो रिपोर्ट है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, उसका उल्टा हो रहा है। यानी आप देखिए कि 26 अरब डॉलर में से जो पूरे एशिया से बाहर निकली है उसमें से 16 अरब डॉलर केवल हिंदुस्तान से निकली है, यानी चीन से भी बहुत कम विदेशी निवेश बाहर गया है और भारत के मुकाबले, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही उठाना पड़ रहा है। तो भारत सरकार अगर किसी खुशफहमी में है या देश को किसी खुशफहमी में रखना चाहती है अपने झूठे ऐलानों से तो बात अलग है, और अगर हिंदुस्तान की आबादी भी उस झूठ में फंस जाए तो बात अलग है, अन्यथा जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो ट्रेंड है, जो निवेश का ट्रेंड है, जो दूसरे जो संकेत हैं अर्थव्यवस्था के बेहतरी में ले जाने वाले या बदतरी की तरफ ढकेलने वाले, वो सारे ये कह रहे हैं कि कोई बहुत उम्मीद नहीं है। थोड़ी बहुत जो विकास दर्ज करने की बात की जा रही है उसके बारे में भी संदेह है, तो कुछ एक दो सकारात्मक बातें ज़रूर की गई हैं लेकिन वो उतने उल्लेखनीय हैं कि इसलिए नहीं है क्योंकि जो दूसरे एजेंसियां हैं वो जो कह रही हैं वो भी आंकड़ों के आधार पर कह रही हैं कि स्थितियां बहुत बुरी हैं। केंद्र सरकार के लिए ये एक और कहना चाहिए संकेत है, संदेश है कि वो अपनी पूरी आर्थिक रणनीति पर पुनर्विचार करें, फिर से सोचे आर्थिक पैकेज पर, फिर से अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाना है उसके बारे में सोचे, नए जो सलाहकार हैं उनसे मदद ले, विपक्षी दलों से सलाह मशवरा करे और उसको फिर उसमें संशोधन करे, बदलाव करे, ताकि जो अपेक्षित परिणाम वो और पूरा देश चाहता है वो निकल सके, अन्यथा इस खुशफहमी में हम और भी वक्त गंवाते चले जाएंगे और कोरोना संकट की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा नुकसान होता जाएगा, उसको फिर पटरी पर लाना बहुत ही कठिन चुनौती बन जाएगी। और अब आज की अंतिम खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर है, मौसम से जुड़ी खबर है। चक्रवाती तूफान अम्पन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। अम्पन की वजह से ओडिशा में करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात हैं। करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकाला जा चुका है। कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट को सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस दौरान बांग्लादेश में अम्पन के कारण एक व्यक्ति के मरने की भी खबर है। तो ये जो पूरा पूर्वी तट है, ओडिशा, बंगाल, बांग्लादेश, उस सब से ये पूरा इलाका इससे प्रभावित होने जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ओडिशा पिछले कुछ समय में इस तरह के तूफानों से निपटने के का अभ्यस्त हो चुका है, उसके पास तैयारियां हैं और समय पर वो कदम उठाकर हर बार अपने लाखों नागरिकों की जान बचा लेता है। इसमें जाहिर है कि जो संसाधन चाहिए वो भी जुटाए गए हैं, केंद्र के स्तर भी पर भी राज्य स्तर पर जो नेतृत्व है उसने भी अपने आगे बढ़कर पहल की है, तो इसलिए इस तरह के जो तूफानी चक्रवात वगैरह आते हैं उनसे बचने के लिए हमने काफ़ी कहना चाहिए कि तैयारी कर रखी है, तो बहुत नुकसान होने की आशंका नहीं है। वैसे भी कहा जा रहा है कि ये तूफान आते आते थोड़ा कमज़ोर भी पड़ गया, फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो तूफ़ान है कितनी तबाही मचा कर जाएगा। बांग्लादेश में एक की मौत हुई है। आने वाले 24 घंटे बहुत भारी हैं, तो हमारी नज़र इस तूफान पर रहेगी। तो मित्रों, ये है आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। कल हम फिर आएंगे बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे, तो तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।